नई मुंबई एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर बढ़ा विवाद। बाला साहब ठाकरे के मानस पुत्र ने नई मुंबई सीपीसी की शिकायत। नई मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण से पहले ही उसके नामकरण को लेकर विवाद छिड़ गया है। शिवसेना जहां एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे का नाम देने की मांग कर रही है, तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिवा पाटिल का नाम देने की मांग कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जगदीश गायकवाड़ का कहना है कि बाला साहब ठाकरे ने रायगढ़ के लिए क्या किया है जो नई मुंबई एयरपोर्ट को उनका नाम दिया जाना चाहिए, जबकि दिवा पाटिल ने अपना पूरा जीवन रायगढ़ के लोगों के लिए समर्पित किया था। उन्होंने रायगढ़ की जमीन के लिए संघर्ष किया था, इसलिए नई मुंबई एयरपोर्ट का नाम दिवा पाटिल के नाम से ही होना चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर बाला साहब ठाकरे के मानस पुत्र भवन पाटिल ने नई मुंबई पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार सिंह से मिलकर जगदीश गायकवाड़ की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। भवन पाटिल ने कहा कि जगदीश गायकवाड़ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम जगदीश गायकवाड़ को शिवसेना स्टाइल में जवाब देंगे। बता दें कि जगदीश गायकवाड़ ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे कौन है। इस पर शिवसेना का कहना है कि बाला साहब ठाकरे को पूरा देश जानता है, ऐसे में ये कहना कि बाला साहब ठाकरे कौन है ये उनका अपमान है, इसलिए जगदीश गायकवाड़ पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ज्यांनी आंदोलन केलेले आहे, आंदोलकाचे निर्माते आहेत, त्यांच्या छातीवर गोळ्या लागलेल्या आहेत, त्यांनी रक्त रंजित क्रांती केलेली आहे, ते मूळचे प्रकल्पग्रस्त आहेत, जासई गावचे आहेत, ते वकील होते, ते विरोधी पक्ष नेते महाराष्ट्र राज्याचे होते, ते खासदार होते दिवा पाटील साहेब, अनेकदा आमदार होते दिवा पाटील, पनवेल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष होते, आणि अत्यंत बंडखोर नेतृत्व, आंदोलकातला लढवाई नेतृत्व, आम्हाला लढायला आंदोलन शिकवणारे, इथला आगरी समाज असेल, इथला कराडी समाज असेल, कोळी समाज असेल, इथं असताना दलित आदिवासी मुस्लिम समाज असेल, यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ नाते, मग मंडल आयोगाच्यासाठी आंदोलन असेल, कर्मवीर भाऊराव पाटलांचे ते पटशिष्य म्हणायला हरकत नाही, त्यांच्या विचारावर चालणारे दिवा पाटील, फुले शाहू आंबेडकर स्वीकारणारे दिवा पाटील आणि फुले शाहू आंबेडकर लोकांना सांगणारे दिवा पाटील, आणि या एअरपोर्टला दिवा पाटलांच्या व्यतिरिक्त जर कुणाचंही नाव दिला तर पुन्हा इथं रक्तरंजित क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही, कारण आम्हाला या ठिकाणी आमच्या नेत्याचंच नाव देणं अत्यंत गरजेचं आहे। माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंती व जयंतीच्या दिन संपूर्ण महाराष्ट्र बालासाहेब का अभिनंदन कर रहे थे, ये कर रहे थे, और बीच में ये अटे के अध्यक्ष है और भाजपा के उप महापौर पनवेल महापालिका, इसने जो सवाल उठाया क्या दिवा पाटिल का बदले बाला साहब का नाम कौन है बाला साहब, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है कौन है बाला साहब। अभी बाला साहब का नाम थोर पुरुष का यादि में आया, कल पनवेल महापालिका में बाला साहब का तस्वीर भी लगा दिया, और कौन वो उपमहार होके उप महापौर होके बोलता है कौन है बाला साहब, इसलिए हम सब लोग हमारे शिवसैनिक इकट्ठे हुए, कल हम उनको समझाया, कल ही हो गया है, हम बोला अपन सीपी साहब के पास जाएगा, कानून दौर से अपन पहला उनको बताएगा, और ये बताने के लिए आज हम उनको सीपी साहब को मिला है, सीपी साहब ने हमको बोला है इस बारे में हम उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, हम जो जो बोला है उसका क्लिप हमारे पास अभी नहीं था, वो हम हमको दे रहे, वो क्लिप खुद सुनेगा और वो कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।